दर्शक बंधु निश्चित मात्रा रे भारत पे एक दुख खबर हला कि गाजापट्टी रो जो राफा शहर रहिचे एही राफा शहर रे भारत रो जने पूर्वतन सेना कर्मचारी कोलोनेल अनिल कालेंकर मृत्यु होईचि। एक प्रकार रो विस्फोरण जोगे ए मृत्यु होइतिवार खबर सामना को आसीचि। एथिरे सबुठारो बड़ प्रश्नवाची हला कि ए घटना घटितिवार 18 घंटा परे एही संवाद बाहर को आसीचि। 18 घंटा पर्यंत एही संवाद को चपेई रखिवार कारण कोन, एहा निश्चित मात्रा रे तदंत सापेक्ष। एवं अनिल काले जो परिस्थिति रे राफा शहर रे कार्य करूथिले, जहां को पई कार्य करूथिले, एभली क्षेत्र रे आशा करा जीवा कथा नुहो कि तांकु हटात एक आक्रमण जरिया रे रीतिमत भाबरे तांकर मृत्यु घटिबो बा एक आक्रमण तांको उपरे होबो जेउति पई तांकर मृत्यु घटिबो, एहा निश्चित मात्रा रे भारत मई एक दुखद खबर। तबे ए जाबत अंतरराष्ट्रीय मंच रे जातिसंघ को छाड़ी दबा परे संभवत सेभली किछि बयानबाजी आसी नाही, बा भारत तरफरु मध्य एहा को नै सरकारी स्तर रे ए जाबत कोनोसी बयान देखिबा को मिलि नाही। कारण एहा को तदंत सापेक्ष होइथिबा बळे एहार रिपोर्ट आसीबा परे संभवत भारत निजर प्रतिक्रिया जणाई पारे। मामला कोन? मामला या कि प्राय राफा शहर रे 10-15 लाख पालेस्टाइन लोक माने बा साधारण पालेस्टाइनियो माने वर्तमान रहिचंत। एवं जेमिति लगातार 3 दिन हला इजराइल सतर्क चेतावनी जारी करिछि कि एमाने त्वरित गति रे राफा शहर छाड़ीला परे इजराइल पुनर्बार टैंक जरिया रे एठारे आक्रमण करिवो। किंतु मोटामोटी भाबरे जदि आमे राफा शहर रे पालेस्टाइनियो मानंकर अवस्था देखिबा ताहले अत्यंत संगीन परिस्थिति रे एमाने रहिचंती। एमाने प्रथम कथा जिबे तो जिबे केउठिकु, द्वितीय रे एमाने सेही परिस्थिति नाही, एमानक मध्यरु अर्धाधिक लोक शारीरिक मात्रा रे असुस्थ एवं सेही परिस्थिति रे नाहंती कि हठात एमाने राफा शहर छाड़ी बाहर को चली जिबे। मोटामोटी भाबरे एठारे अत्यंत दहनीय परिस्थिति हला खाद्य सुरक्षा समस्या, स्वास्थ्यगत समस्या, रहणी सहणी रे समस्या, तेणु सब प्रकार बासंद भितर रहिथिबा एही जनता माने बा साधारण जनता मानंकर परिस्थिति अत्यंत जटिल और शोचनीय। त एमानक सहाय्य करबा पई जातिसंघर एजेंसी मध्य एठारे कार्य करिथाय, जेउठरे कलोनेल अलिन काले जातिसंघर जो सेफ्टी एवं सुरक्षा संस्था रही बा डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डीएसएस संस्था रही एठारे 2 वर्ष तले जोग दे जेते बले सेना रु रिटायर नहीं बा अवसर नहीं जाति संघर डीएसएस रे जोग देते। एमानकर मुख्य कार्य राफा शहर भितर रही सेठारे जो भली परिस्थिति साधारण जनता एमानकु सहाय्य करिबा एमानकर एक प्रमुख कर्तव्य थिला। एवं कुहा जाउची कि प्राथमिक जो रिपोर्ट बाहर को आसी एथिरे कुहा जाउची कि एक यूरोपियन हॉस्पिटल को से एवं तांकर जने साथी मोटरसाइकिल रे गला बळे हठात एक आक्रमण हुए। वर्तमान किछि लोक एहाकु टैंक जरिया रे आक्रमण कहतुआ बळे आउ किछि लोक आकाश मार्ग रु बम जोगु आक्रमण होईची एकथा मध्य प्रकाश करचंथि। किंतु एनै एजावत इजराइल सरकार मध्य एही घटना उपरे ठोस कोनोसी बयान दे नथिवा बळे मोटामोटी एहाकु नै एक तदंत मध्य बसै थिबा जणा पडिछि। एवं संभवत एहाकु गाजा सिटी रे प्रथम अंतरराष्ट्रीय घटना बा दुखद घटना रूप रे मध्य वर्णना करा जाइछि। एवं प्रथम थरो एभली अंतरराष्ट्रीय घटना जहां सामना को आसी ताबी 18-20 घंटा परे जेतेबेले खबर बाहर को आसतिला सेतेबेले जाति संघर मुख्य एक ट्वीट जरिया रे संवेदना प्रकाश करिसेंती। एवं मोटामोटी भाबरे एमिति घटना राफा शहर रे हवा उचित नो जहां तांकर ट्वीट को जदि आमे देखिबा एक कथा निश्चित मात्रा रे बुझि पारिबो। तेणु जातिसंघ संभवत एहाकु स्वीकार करि सारिछि एवं से जणे भारतीय कलोनेल बा पूर्वतन कलोनेल अनिल काले बोली मध्य स्पष्ट होइछि। एवं एही आक्रमण केमती करागला एहा उपरे मध्य एक तदंत को बसै दिया जाइछि। जदि इजराइल कथा देखिबा ताहले इजराइल कहुछि कि एही आक्रमण इजराइल द्वारा होइ नाही, एहा हमास ही आक्रमण करिछि एवं हमास आक्रमण करि सारिबा परे एहाकु इजराइल मुंडरे थोपि देबा पई चाहुछि। सेपटरे हमास तरफरु मध्य बयान कि हमास एभली कोनोसी आक्रमण करिनाही, संभवत इजराइल रो टैंक किंबा बम द्वारा एभली आक्रमण करा जाइछि। तबे जेतेबेले आक्रमण घटिला संगे संगे तांकु यूरोपियन हॉस्पिटल निया जाइथिला, से अत्यंत गुरुतर थिले एवं सेठारे तांकर प्राणवायु उड़ी जाइथिला। त एभली क्षेत्र रे गाजा सिटी रे जेउंखळी विकटळ परिस्थिति देखा जाय, लोकमानक मध्य रे रहणी सहणी व्यवस्था तो अत्यंत अभावनीय, खाद्य मध्य ठीक रे मिलू नाही, शारीरिक असुस्थ, इति मात्रा रे लोक असुस्थ होउचन जे एमानंकु संपूर्ण शहर रे सेमानंकर
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲଗାତାର ଚେତାବନୀ କି ଏମାନେ ରାଫା ସହର ଚାଲି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରିକି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାର ନିରବ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଯାଉଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଭାରତର, ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ବାଟରେ ଘଟିଛି, କେମିତି ଭାବରେ କଲୋନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କିଏ ସାମିଲ ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ନା ହମାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।